ये एक ऐसा जगह है जहां आपको आज लेकर आया हूं। ये छत्तीसगढ़ का ऐसा जगह है जहां आप जिंदगी में नहीं आए हैं। मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूं जहां यहां पास आया हूं, इस जगह को, इस नेचर को। और ये दूसरा व्यक्ति बन गया है। चलिए आपको झरना दिखाता हूं। यहां का बहुत सर्दी है इसलिए बहुत ठंड में आया हूं। ये मेरा ब्लॉग, इसमें जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें जरूर। जल्दी जल्दी बहुत जल्द 1 मिलियन कर लेंगे। देख सकते हैं इस जगह को, तबाही जगह है। एक मिनट ड्रोन से दिखाता हूँ आप लोग को। ये ड्रोन से लिया जा रहा है, ठीक है। ड्रोन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो ये वाला पार्ट हमको मिलता है, देख लिए। चलिए आपको झरना के पास ले चलते हैं। ये आ गए हम लोग गुफा में, देख सकते हैं आप, छोटा छोटा नदी कटा हुआ है और यहाँ आज तक कोई नहीं आया है। चलो पार करके दिखाते हैं। आई गिर गया था थोड़ा मिस्टेक से। यहाँ पर नुकीला पत्थर है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, यहाँ जिंदगी में आज तक कोई नहीं आया है और ये पूरा जंगल से घिरा हुआ है। और आगे चलते हैं तो आगे भी रास्ता है और आगे भी देख सकते हैं। वाह, इतना अच्छा जगह है। आपको थोड़ी ही दूरी में आपको झरना दिखाया जाएगा। झरना में देखेंगे हम कैसे नहाते हैं। झरने में नहाने वाला वीडियो हम दूसरा पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि ये पार्ट तो इसी में फुल हो गया। और वो दूसरा पार्ट तब बनेगा जब, दूसरा पार्ट तब अपलोड होगा जब इसमें 1 करोड़ लाइक आएगा। 1 करोड़ लाइक आने के बाद ही आपको दूसरा पार्ट दिखाया जाएगा, ठीक है। इतने जंगलों के बीच हम कैसे स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पर संघर्ष करते हैं, वो दिखाया जाएगा आपको। यहाँ पर तो बहुत फिसलन है लेकिन धीमी गति से चढ़ना पड़ रहा है। चलो आगे दिखाते हैं। वाव, नेचर का नजारा देख सकते हैं आप। और यहाँ फ्लावर्स भी हैं, इसको झुनझुन फ्लावर कहते हैं, नाम नहीं पता लेकिन मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। मेरा सांस फूल चुका है क्योंकि यहाँ और भी बहुत सारे फूल हैं। मैं थक चुका हूँ, यहाँ तक और भी फूल दिखाता हूँ आपको। यहाँ देख सकते हैं, देख लिए। उधर तो नजारा देखते ही बनता है। आपको झरने की आवाज यहाँ पर आ रही होगी क्योंकि झरना इसी पास में है और आपको हम दिखाने वाले हैं। और यहाँ से वो देखते ही बनेगा झरना। देखिए उस झरने को, देख सकते हैं इस झरने को, ड्रोन से लेंगे अब। जुम, जुम। झरना को देख लिए आप, और करीब लाके नहा कर दिखाएंगे। और आगे उस झरने के करीब और एक और झरना जहाँ दिखाए हैं वो वहाँ पास है। यहाँ पर झरना ही झरना, ये तो नदी है फिलहाल, झरना वहाँ पर जाकर बनता है, ठीक है। देखिए कतई तबाही जगह, और यहाँ पर आप नहा भी सकते हैं। ऊपर और चढ़े तो ये भी नज़ारा हमको देखने को मिल चुका है, तबाही नज़ारा इसको बोल सकते हैं। तो लाइक दबा के ठोंकिए और सब्सक्राइब तो छोड़िए ही मत। तो आज को ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। 1000 लाइक का डीएम है भाई, तो डीएम को जरूर पूरा करिए और आगे का ब्लॉग कल दिखाएंगे।